लेकिन यहाँ देखो कितने अच्छी तरीके से ये मकान के पत्थर लगा रखे हैं ऊपर से। हर घर में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखो यहाँ भी झंगोरा, यहाँ खेती जबरदस्त। नमस्कार, ते हुण क्या बोल देना, हाँ हाँ सुबह है। और एक पहल ना भी ऊंचा ना मूर्ख जा बोल चाहो कौन है कंदोड़ ऊपर है। आप कितना सुंदर मकान है, ये पुरानी शैली का मकान, पुराना मकान है, है? और ये ऊपर तिवारी है। और दादा खूब मेहनत कर रहे हैं भाई काकड़ी के लिए। एक आध है, एक आध ही होगी, छोटी मोटी ज्यादा बड़ी तो है नहीं। भी चलते हैं सिलपटा गांव। जब यहाँ आए हैं तो एक बार गांव विजिट कर ही लेते हैं। बहुत पानी यहाँ पे, रोड आगे डेड एंड है, आगे कोई रोड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसी गांव तक रोड है। हालांकि गांव तो और भी हैं, ऊपर बहुत सारे गांव हैं। फिलहाल हम शॉर्टकट जा रहे हैं यहाँ से। हम प्रवेश कर गए हैं कोदा के खेत में, कोदे की बाली यानी कि मंडवा, हिंदी में मंडवा बोलते हैं और गढ़वाली में हमारे कोदा बोलते हैं इसको। ये जो रेड कलर का, ये है मरसू। वाह बहुत सुंदर जगह। वो बीच में गधेरा है और वहाँ पे रोड जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहीं पे डेड एंड है। सामने एक गाड़ियाँ है, यहीं पे रोड ख़त्म है, आगे ऊपर कोई स्कूल है। फिलहाल तो हम गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जी मरसू, यार कितना अच्छा लग रहा है। ये फसलों के बीच से हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ पत्थर थोड़ा नुकीले टाइप के होते हैं, यहाँ ये बिल्कुल प्लेट टाइप के पत्थर होते हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा ये बिल्कुल, हमारे यहाँ तो खैर बंदर अंदर आते हैं तो बंदर उन पत्थरों को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ देखो कितने अच्छी तरीके से ये मकान के पत्थर लगा रखे हैं ऊपर से। एक ये है, एक ये भी है। अभी चलते हैं किसी और मकान की तरफ। बोगणा जी चले गए ऊपर, कोई है घर में? वाह वाह वाह, ये है जी झंगोरा। झंगोरा भी यहाँ पे डाला हुआ है, सुखाएंगे इसको उसके बाद फिर। हेलो बच्चों, अच्छा यहाँ सब बच्चे बच्चे हैं। कोई नहीं, मम्मी नहीं, पापा नहीं है, हैं? नमस्कार, खूब छा वहाँ शरीर पैंट खूब छा। अच्छा ये झंगोर लगे हैं तुम्हारे, हैं भाई तो खींचे और भी चाहिए पूरा झंगोर काटे वाली। ये कंकोड़ा भी हुए नहीं ना, अभी नहीं हुए ना, बाद में लगाएंगे। यहाँ की भाषा और हमारी भाषा में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, 19-20 का फर्क है बस। लेकिन बहुगुणा जी के साथ रह रहे के मैं समझ गया हूँ, समझ में आ जाती है। चलो जी, फिलहाल तो लोग इस टाइम कम ही है। आजकल ना यहाँ पे हर घर के आगे ऐसी झंगोरा मिलेगा क्योंकि सुखाने के लिए डाला हुआ। अभी पहले भी आपने देखा, और एक घर यहाँ पे है, इन्होंने भी कदू दूर हो जाना तुम्हारी, यही कदू दूर हो जाना झंगोर खाली डाय थोड़ा सा अभी बीज आ गए। हाँ अभी तो घर मच जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ 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 अच्छा। नमस्कार, खूब सामा और घूमने घूमने जाना जहाँ। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार, खूब छा वहाँ। ये देखो जी आजकल यहाँ दबा के झंगोरा हो रहा है। नमस्कार, खूब छा वहाँ। अच्छा सब भालो च घर में अकेला छा और भी दगड़ में कोई च सब छ। अच्छा तो तुम्हारी कदू दूर हो जाना झंगोरो, कदू दूर झंगोरो जान दो बीजा। और तो एक दूर हम तो दे जाता। हाँ कब आ? हाँ तो बैठते ले जाना, कोई बंद तो नहीं देता भाई। ना ना गाड़ी चाह मैं खड़ी गाड़ी में ले जाओ क्या, हमारी ना हमारे मुलुक मत हम छा पौड़ी का, हमारे मुलुक मत छून छनी ना क्वाद उच ना झंगुर चा।
क्या लौकी नहीं लगी? लौकी नींद का कीड़ी ककड़ी नींद का कीड़ी अच्छा बताओ जी लो जी काकड़ी नहीं है क्या यहाँ पे जी। अब एक मकान ही है जी और यहाँ पे भी देखो मैंने बताना है हर जगह हमारे चमोली में ऐसी कोदा मिलेगा सॉरी झोर झोर है ऐसी झोरा मिलेगा और वो क्या चुका तू दाल वो भी झंगोर चा ओ मकान तो खूब लंबे चौड़े हैं भैया यहाँ भी और चारों तरफ ये देखो ये भी कोदा है कुछ ये सब्जियों की जो है बेलें हैं और वहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये है चमोली गढ़वाल का खूबसूरत सिलपाटा। तुम ठीक ठाक छाओ बाकी अकेले रहना घर में तुम भी हैं बच्चों रो ना पला छिन अच्छा पति देव के गर्दन स्वामी पति नौकरी कख देर दिन तो किच किलो छुपा था जर शर्माना क्या उड़ता वह तब शर्माना थे ये भगवान ते नमस्ते ठीक ठाक तो तुम भीतर लू क्या अच्छा आई ये देखो जी हमारे लिए काकड़ी ढूंढने गए हैं हालांकि पता नहीं मिले है नहीं के काकड़ी अंदर लंगूर नहीं है आपके यहाँ अच्छा कुत्ता उत्ता होगा तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है कुत्ता ना ना कुत्ता नहीं रखा ओ हमारे यहाँ तो बहुत बंदर है छोड़ा मैं निकाला नहीं मीना अंत हुआ है तब कांडा लगा ये देखो जी आ हा 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 ये देखो कितनी बड़ी काकड़ी ला रहे हैं हमारे लिए ओ दादा खूब मेहनत कर रहे हैं भाई काकड़ी के लिए एक आध है एक आधी होगी छोटी मोटी ज्यादा बड़ी तो है नहीं क्योंकि यहाँ से तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि वो दुकानों में जाके सेल कर देते हैं है ना तो कितना एक बार ना कितना किलो बिके तुम तब ककड़ा एक बार दुकानों में है ना दुकानों में नहीं बिका था तुम कहीं बिका हाँ तो क्या ककड़ा था खुद खाए गया आप ही खाए गया शाम की सब्जी का जुगाड़ हो गया हमारा एक लौकी मिल गई हमें धन्यवाद दादा दिखाओ चलो बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपन बिजा मेहनत कर हमको नहीं और तुम गुण में छुट भूलियो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो जी यहाँ भी झंगोरा यार कितना अच्छा लग रहा है ना ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसका फल भी इनको मिलता है। नमस्कार ठीक ठाक और यहाँ देखो अधिकतर मकान वही पुराने हैं और मैं बता रहा हूँ पठाली इन गढ़वाली में इसको पठाली बोलते हैं कितनी बड़ी बड़ी पठाली है यहाँ और कितने सुंदर लग रहे हैं ये गाँव ऊबड़ खाबड़ बहुत है गाँव के बीच में रास्ते बने नहीं है ये कच्चे रास्ते हैं यहाँ के मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि गांव डेवलप कम है। आह भूली आ जाओ आ जाओ आ जाओ दादा इनको पठियाल ही बोलते हैं ना आपके यहाँ भी पठियाल और देखो जी ये यहाँ पे ना ये गौशाला है यहाँ पे शुरू से गौशाला रही है अलग से और ये देखो जी नरसिंह देवता होंगे या भैरव देव होंगे कूड़ों के ध्रुपदों में कितना सुंदर लग रही है पठियाल चौड़े चौड़े पठियाली टाइम लोग हैं नहीं अधिकतर जंगलों में गए हैं लोग घास के लिए या फिर अपनी गाय बछड़ी चराने और ये है जी वो गौशाला यहाँ इंसान नहीं रहते सिर्फ गाय रहती है झंगोरा तो कट चुका है लेकिन अधिकतर कोदा बचा हुआ कोदा की फसल अभी हुई नहीं है। अब यहाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है क्या ये सीढ़ी नुमा खेत ये नज़ारे और ये पत्थर के मकान ये मकान तो वीरान लग रहा मुझे ये वाला है ये घर हाँ कोई नहीं रहता नहीं होते तो होंगे खैर क्यों नहीं होते होंगे हैं तो सही हाँ ये है जी यहाँ भी देखो झंगोरा मैं ना आजकल हर जगह ऐसी ही झंगोरा मिलेगा और यार वाकई में ये खूबसूरत मकान है तो पुराना लेकिन कितना खूबसूरत मकान है ये। हेलो बुला ठीक हो यार देखो कैसे हो मैं बढ़िया बढ़िया कितना सुंदर मकान है ये पुरानी शैली का मकान पुराना मकान है, है? और ये ऊपर तिवारी है वाह 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 वाह
हाँ नमस्कार, ठीक ठाक। और तिवारी है हमारे यहाँ एक्चुअली ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। चमोली में मैंने देखा है कि ऊपर घर जाने के लिए इस तरह की ये सीढ़ियाँ होती हैं। क्या बोलते नहीं ये सीढ़ी सीढ़ी बोलन। ये देखो ये ऊपर जाने के लिए यानी घर के अंदर। अब ये है कि इसमें दरवाजा है, कोई खतरा भी नहीं रहता, कोई जंगली जानवर का खतरा भी नहीं रहता। और ऊपर बिल्कुल कहीं से जाने का एक उधर है, दो दो हैं, एक यहाँ पे है ऊपर जाने का घर में जाने का रास्ता और एक सामने है काम खेती बाड़ी। चलो बढ़िया चे बढ़िया चे। कतु किलो कतु दूर हो जाओ झंगोरू अच्छा यार कितने अच्छे लग रहे हैं पत्थर के मकान। सीमेंट के मकान बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ये देखो ये जी धारा का पानी है इस गांव का। हाँ बेटा क्या है तेरे ठीक है अच्छा। ये जी देखो धारे का पानी। वाह पहले खैर अब तो कुछ साल पहले इन्होंने चारों तरफ से सीमेंट लगा दिया है। ये इसी को बोलते हैं धारे का पानी। ये तो सूख चुका है और इसी को तो पानी आ ही रहा है जी है। चलो जी जब रोड नहीं थी तो आदरी बदरी के लिए यही रोड जाती थी। यहाँ से आदरी बदरी अगर आदमी पैदल जाएगा तो 7-7.5 किलोमीटर पड़ता है और जैसे हम आए हैं तो कम से कम हम 17-18 किलोमीटर हम आदरी बदरी से ऊपर चले हैं। लेकिन हालांकि यह है कि शॉर्टकट रास्ते थोड़ा ये होता है कि जंगल जंगल चले गए और हम तो खैर कई सारे गाँव से घूम के आ रहे हैं। पर यह है कि अधिकतर मतलब मोस्टली 90% जो मकान है वो पुराने हैं, पुराने स्ट्रक्चर के हैं। 70-80 साल लग गए। अच्छा ज्यादा होंगे ज्यादा होंगे 70-80 साल क्या अभी 57-58 साल का तो मैं ही हो गया हूँ। तो पहाड़ तो बहुत बहुत पुराने पुराने मकान नहीं है। 67 साल का तो मैं हूँ। हाँ फिर 67 साल लग गए तो कई 57 का जन्म है। हाँ तो सदियों पुराने मकान नहीं है, सदियों पुराने मकान है यार। दादा वाकई में ना कितना अच्छा लग रहा है, हर आंगन में आपको झंगोरा मिलेगा यहाँ। क्योंकि मैंने बताया ना बार बार बोल रहा हूँ यहाँ लोग अभी तक फसल कर रहे हैं। और ये देखिए सामने कुकुर काटन तो नहीं हो। चल चलो जी ये देखो भाग रही हैं कन्याएं। और ये देखो ये पूरा जो है ना इतना चौड़ा लंबा ये कितना गौरिया देवी नमः। ये झंगोरा देखो मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ चमोली में लोग इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे लोग मेहनती हैं, अभी तक फसल हो रही है यहाँ पे ठीक है अभी तो। ये देखो नमस्कार खूब ठीक ठाक यू अच्छा यू नैचर यू पुरान चो है अच्छा अच्छा। ये देखो जी अब यहाँ अभी तो फसल अभी ये तोड़ ही रहे हैं इसको, नहीं तो मेरा भी मन कर रहा है कुछ 2-4 किलो ले जाऊं लेकिन अवेलेबल नहीं होगा। और ये है जी ये कितना लंबा चौड़ा मकान है। और दो उरखेलू यहाँ पे, एक ये उरखेलू है और एक सामने ये उरखेलू ये है यहाँ पे। क्योंकि अब आटा चक्की तो आसपास होती नहीं होंगी, बहुत दूर होंगी यहाँ पे तो खैर, लेकिन मकान पुराना ही है। और सब छुप गए क्या ये, मैं तो क्या बोलूं चाची बोलूं क्या बोलूं, तय थे दिखा देते हूँ क्या बोल देना। हाँ हाँ सुबह है और एक पहल ना भी ऊंचा ना मूर्ख जा बोलचा हूँ कनोड़ ऊपर है आप तो नहीं है ना। चलो अच्छा अच्छा कदो साला छे ना आप राम वा साला या कद पता नहीं ना पता नहीं। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि वो सब्जी के लिए खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि सब्जी ले जाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, अपना तो ऐसे ही होता है। अब ये भूली पॉलिथीन हाथ पे आपका अच्छा लग रहा है पॉलिथीन ले जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा तुम्हारे ककड़ा कुछ नहीं है ना हमारा तो अच्छा अच्छा धन्यवाद भूली धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता था अच्छा अच्छा लग रहा ना यार मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर इन्होंने अपने आंगन में बिछा रखे हैं, बहुत बढ़िया। आजकल तो लोग सीमेंट या कंक्रीट का लगा रहे और वो नाश मार रहा है, इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है। और ये मकान पे तो कोई रहता नहीं है तो बंद पड़ा हुआ है। ये भी
मकान बंद पड़ा हुआ है। ये देखो ये मकान सब वीरान पड़े हैं यहाँ। अरे कितना पुराना मकान है, ये सब वीरान है। हर घर में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखो यहाँ भी झंगोरा, यहाँ खेती जबरदस्त। नमस्कार, ठीक ठाक, कुशल मंगल, नाती बाला सब ठीक, और स्वास्थ्य पैन ठीक चा? अच्छा अच्छा, आर यू क्या सट्टी? ये सट्टी सट्टी कटेगी? अच्छा, अब ये देखो जी, ये भी झंगोरा है, ये नई पौध है, ये पुरानी है। नमस्कार, खूब छावा शरीर पैन खूब चा? अच्छा बैठा दे। हाँ मैं बैठा। अच्छा नमस्कार नमस्कार बोली, ये तुम्हारे मकान छ? अच्छा बढ़िया 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 बढ़िया। और तय पर कोई नहीं रहे दो ख्याल छो रह ना? अच्छा तो कदू दौड़ जाना तुम्हारी जो झंगोरा कदू दौड़ जान कदू दौड़ हों? अरे पुंगड़ा तो हों पर कितना है, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है पूरा टोटल कितना हो जाता है? दूड़ दूड़ बोल ना, पांच दूड़ है ना? अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ बहुत खोई हो चमर, अब तो खैर हम तो मिलते नहीं, हमारे पौड़ी बेटे छो, हमारे पौड़ी में तो हूं नहीं छू, लोगों खेती कर बंद कर ली और सब पुंगड़ा बांध पुड़े आज थोड़ा बहुत कना भी छे ना, तो हमारे तो गुणी बांदर बहुत छे, वो सब गुणी बांदर सुंगरू सब चपट के जाना जे। अच्छा हाँ धन्यवाद। नमस्कार भाई जी, ठीक ठाक, के नाम चाह पको? फिर भी नाम बताया जा सर, माना क्या चाहता? अच्छा मंगसूर सिंह। अच्छा चलो बढ़िया 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 चे, तुम कम से कम आप लोग मेहनत करना छे, खेती आबाद होनी, आप खेती आबाद कहीं छे? ये राम हमारे पौड़ते पाँच पुड़ियों, आप क्या बोलता? ना 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 हमारी जा रहे चा, आप क्या क्या कहता? चलो वह एक मकान ये नीचे है, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आजकल झंगोरा बहुत हो रहा है यहाँ पे भैया, हर किसी ने अपने आंगन में झंगोरा सुखा रहे। नमस्कार, ठीक ठाक, नमस्कार भाई साहब, और सुंदर कुशल मंगल राजी खुशी शरीर पैंट खूब चा? अच्छा खेती बाड़ी करता? हाँ खेती बाड़ी। अच्छा चलो बढ़िया अच्छी यार, आप लोग खूब जांच कम से कम खेती बाड़ी कहीं चा सिर्फ खूब झंगोर कहीं ऊँचा, और मकान तो तुम्हारे ख्याल वाह चमोली मत कर झक्कास मकान होंगी से ना। ये देखो जी ये सब झंगोरा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये झंगोर, खूब तो मैं खाना चाहता, मतलब ये बेचते भी हो तुम या अपने लिए रखते हो? थोड़ा बहुत बेच देना। क्या नाम चाह आपको? प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, और आप भाई जी? रघुवीर सिंह जी। चलो बढ़िया 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 साहब, नहीं सुगर हो गया साहब बर्बाद। हाँ सुगर तो बेचा हर जगह ना, पर फिर भी इंच ना थोड़ा बहुत छे आप ये इलाका में अभी तो निकाल के लियो साहब, क्या कहता टूटा छरबट के वो सुगर होने गरीबी बिल्कुल बिल्कुल बांदर सुगर तो नुकसान करना छे। और ये जी कुछ गाँव कुछ मकान इधर है इस गाँव के, और जिस तरह मैंने बताया कि डेड एंड वहाँ पे वो रोड वहाँ पे खत्म है, और आगे भी बहुत सारे। ये कौन सा गांव है ऊपर? डोटू है साहब। है डोटू है डोटू, और उसके ऊपर ऊपर ये नीचे चुनमुटी है, वहाँ से भराड़ी सैन है ऊपर। अच्छा ऊपर भराड़ी सैन जी, गैर सैन है? ना ना भराड़ी सैन। अच्छा भराड़ी सैन, अच्छा अच्छा। गाँव के बीच में नदी बह रही है जी दबा के, और मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए फेमस है ये गाँव क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे गांव इतने अच्छे अच्छे गांव हैं, लोग भी अच्छे हैं, और मौसम तो अच्छा है यार, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। है बच्चों के नाम तेरो? सरवाणी से लाटा तेर के नाम से? चलो ठीक है धन्यवाद धन्यवाद भाई जी धन्यवाद। देखो जी यहाँ पे हमारे पहाड़ों की ये संस्कृति एक कल्चर है कि यहाँ पे हर कोई पानी तो छोड़ो भैया चाय भी पूछते हैं और खाना भी पूछता है। अभी लोग पूछ भी रहे हैं कि भैया खाना खा के जाओ बहुत दूर से आए हो। खैर एनीवे हमें फिलहाल तो भूख है नहीं, हमारे भाई मायाराम जी परेशान हो गए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार धन्यवाद प्रणाम जी। चमोली गढ़वाल का खूबसूरत सिलपाटा गाँव, हालांकि कुछ मकान और भी हैं इधर, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास
टाइम है नहीं। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे गौशाला अलग होती है, अब ये तो गांव है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और आगे जितने भी ये मकान दिख रहे हैं ये सब गौशाला है, यानी गाय बच्ची बकरी के लिए अलग से मकान है भैया यहाँ, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और अधिकतर मकान तो रह गए हैं, पर एनीवे घर लाइफ फिर रही तो फिर कभी आएंगे, यहाँ के जितने और सारे गाँव भी दिखाएंगे। ये कोदा तो अब हालांकि आज की डेट में मिलता है, सब यहीं से सप्लाई होता है दिल्ली NCR में या बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ये शायद वीरान पड़ा है, बंद पड़ा है, इसमें शायद ही कोई होगा। हाँ जी, इसमें भी ताले लटके पड़े हैं, प्रायः बंद है, इसके निवासी भी शायद बाहर होंगे, और बाकी फसलें तो लहला रही हैं हर जगह है ना। और यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है ये गांव, वहाँ भी बहुत सारे गांव हैं, पता नहीं नाम क्या क्या बताया, मैं तो याद नहीं आ रहा है, और सामने वो स्कूल है। सिल पाटा, सिल यानि पत्थर, पाटा यानि कि पाटा यानि कि पठ्याल बोलते हैं गढ़वाली में। तो मेरा अनुमान है कि जिस तरह यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मकान हैं, सुंदर सुंदर पत्थर हैं, उसी हिसाब से इस गांव का नाम सिलपाटा पड़ा होगा। कितना खूबसूरत लग रहा है। खैर, आप लोगों को लगे ना लगे, भाई मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है।